नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सजीवों में गति। आज हम अध्याय का भाग एक पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम निम्नलिखित विषय को पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम सजीवों में गति का परिचय को जानेंगे, उसके बाद मानव अस्थि एवं संधि किसे कहते हैं ये समझेंगे, उसके बाद संधियों के प्रकार को जानेंगे और अंत में कंकाल को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और अध्याय का परिचय को समझते हैं। दोस्तों, गति करना सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है। हमारे शरीर में भी समय समय पर गति होता रहता है, जैसे कि हमारी पलकें खुलती है और बंद होती रहती है। सांस लेते समय छाती खुलती है और पिचकती है, या एक जगह से दूसरे जगह जाना भी गति ही होती है। दोस्तों, हमारी तरह और भी जीव जंतु गति करते हैं। कोई चलता है तो कोई रेंगता है, कोई जीव तैरता है तो कोई उड़ता है। इसी तरह हर एक जीव निरंतर गति करता रहता है। दोस्तों, मानव शरीर में कुछ अंग है जो पूर्णतः घूम जाते हैं, कुछ अंशतः घूमते हैं, कुछ झुकते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं घूमते। इसके लिए आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाने की कोशिश कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा अंग किस प्रकार घूम सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने उंगलियों को एक दूसरे से दबाते हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि कोई कठोर वस्तु दब रही है। ये कठोर संरचना हमारे शरीर में अस्थियां, जिसे इंग्लिश में बोन्स कहते हैं, जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है उसे संधि कहते हैं, इंग्लिश में ज्वाइंट कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न अस्थि संधियां पाई जाती है। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इनमें पहला है कंदुकलिका संधि, जिसे इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। आइए पहले इस संधि को बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक या रबर की एक गेंद में छेद करके उसमें गट्टे का एक बेलन डालते हैं या उसे चिपका देते हैं। अब उस गेंद को एक कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ दिए गए उदाहरण में कल्पना कीजिए कि बेलन हमारा हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। यहाँ कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि हमारे कमर एवं कंधे में पाई जाती है। आइए दोस्तों, हिंज संधि किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलने और बंद करने पर यह आगे या पीछे की तरफ आता जाता है, उसी प्रकार हिंज संधि भी काम करता है। यह हमारे शरीर में कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि धुराग्र संधि किसे कहते हैं। दोस्तों, धुराग्र संधि को इंग्लिश में पिवोट ज्वाइंट कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जाता है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। आई दोस्तों, अचल संधि के बारे में जानते हैं, जिसे इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। दोस्तों, अचल संधि का मतलब ये हुआ कि यह घूम नहीं सकता। उदाहरण के लिए,
जबड़े एवं कपाल के बीच अचल संधि होती है। हमारे सर के अस्थियों के बीच की संधि भी अचल संधि कहलाती है। यह संधि घूमती नहीं है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कंकाल किसे कहते हैं। इसे चित्र द्वारा समझने की कोशिश करें। किसी भी आकृति को बनाने के लिए पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे किसी खेलने वाली गुड़िया को बनाने के लिए पहले उसका ढांचा बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में सभी अस्थियां एक सुंदर ढांचा तैयार करती है तथा शरीर को एक आकृति प्रदान करती है। इस ढांचे को कंकाल कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, जब हमें कभी चोट लगती है एवं हड्डियां टूट जाती है, तब एक्सरे चित्र में उनका पता चलता है। इसमें अस्थियों की आकृति का भी पता चलता है। आइए हाथ की हड्डियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे हाथों की हड्डियां छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिससे हम आसानी पूर्वक अपने उंगलियों को मोड़ सकते हैं। हाथों से हम सामान पकड़ते हैं, काम करते हैं, खाना पकाते हैं तथा खाते हैं। इसलिए हाथों को इस प्रकार से घूमना एवं मोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पसली पिंजर किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तब हमारे शरीर में वक्ष का भाग ऊपर नीचे होता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तब यह उठता है एवं जब सांस छोड़ते हैं तब यह नीचे आता है। इस अस्थियों को हम अपनी हाथों द्वारा वक्ष को दबाकर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से जैसी रचना बनाती है। इस शंकु रूपी बक्से को ही पसली पिंजर कहा जाता है। हमारे शरीर की कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे हमारा हृदय, फेफड़ा इसी पिंजर में सुरक्षित रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सजीवों में गति का परिचय को समझा। उसके बाद मानव अस्थि एवं संधि के बारे में जाना। उसके बाद संधियों के प्रकार को भी समझा और अंत में कंकाल के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरुदंड को जानेंगे, उसके बाद कंधे एवं श्रोणि अस्थियां को समझेंगे, उसके बाद मानव खोपड़ी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उपास्थि किसे कहते हैं ये भी समझेंगे, उसके बाद पेशी के बारे में जानेंगे और अंत में अन्य जंतुओं में गति के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक NCERT कक्षा 6 विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।